हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो चिली, बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी। आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है आलू, 3 से 4 आलू से अच्छी तरह से धोकर मैंने इस तरह कट कर लिया है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज में कट करना होता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे पोटैटो में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे हम करेंगे पोटैटो का डीप फ्राई। इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो हमारे पोटैटो फ्राई होके तैयार हैं। इसी तरह बचे हुए पोटैटो को भी हमें इसी तरह फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो हमारे पोटैटो फ्राई होकर तैयार है। अब यहाँ पर लेंगे हम पैन, पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 4 से 5 लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 प्याज इस तरह कट करना है हमने, प्याज को बड़े बड़े स्लाइस में रखने हैं, कैबेज बारीक कटी हुई, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इन सबको हमने क्रंची रखना है, इसलिए ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसमें हम कुछ सॉस ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस 2 से 3 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 2 से 3 चम्मच, टोमेटो केचप 2 से 3 चम्मच, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैंने यहाँ पर घोल बनाया है ये कॉर्नफ्लोर, और आधा कप पानी डालकर इसका घोल बनाया है कॉर्नफ्लोर का, इसमें डाल के हम अच्छी तरह से मिलाएंगे इसे। 1 चम्मच शेजवान चटनी डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब डालेंगे हम इसमें नमक स्वादानुसार। अब इसमें हम डालेंगे पोटैटो जो हमने फ्राई कर लिया था, अच्छी तरह से मिलाकर अब हम ऊपर से डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, इसे ढककर रखेंगे 2 मिनट तक। आप देख सकते हो हमारा पोटैटो चिली बनकर तैयार है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।